नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में स्वागत है आपका। गाजा के अल शिफा अस्पताल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। इजरायली सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें हमास के छुपाए हथियारों का बड़ा जखीरा दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना अस्पताल को इंच दर इंच खंगाल रही है, यानी बेहद करीबी से। और दूसरी तरफ हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया की तलाश में उसके ठिकाने पर इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बम बरसा दिए हैं। इजरायल इस वक्त जबरदस्त अटैक मोड में है। इजराइल का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। मोसाद को हमास लीडर इस्माइल हानिया की तलाश। इजराइल ने हानिया के घर की फाइटर जेट से बमबारी। नहीं मिला हानिया, गाजा की सुरंग से कहां गायब हो गया हानिया। कनेक्शन समझिए, एक तरफ इजराइल के डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में घुस चुकी है, वहां हमास के तथाकथित सुरंगों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी ओर हमास के सबसे बड़े लीडर इस्माइल हानिया के ठिकाने पर फाइटर जेट से बम बरसा रही है। इस्माइल हानिया जिसके हाथों में हमास की कमान है, जो मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के खिलाफ है, जिसके दुनिया के कई मुस्लिम देशों में अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी कतर कभी तुर्की में रहने वाला इस्माइल हानिया इस वक्त कहां है, इसके डिटेल में जाने से पहले हानिया के घर पर हुई फाइटर जेट के हमले की रिपोर्ट देख लेते हैं। दरअसल इसराइल गाजा पट्टी के एक एक इंच को तबाह कर रहा है। दरअसल इस्माइल हानिया की तलाश में फाइटर जेट से भी इसराइल ने बम बरसाए हैं, लेकिन अब तक इस्माइल हानिया का पता नहीं है। और इसराइल का दावा है कि इस घर में वो अपने आतंकियों के साथ बैठक करता था। दरअसल बीच में खबरें आई कि वो एक बंकर में छिपा है, बंकर का संपर्क भी काटा गया, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से इस्माइल हानिया अब तक इसराइल की पकड़ से बाहर है और अब तक उसकी तलाश इसराइल नहीं कर सका है। इसराइल के लिए क्यों इतना अहम है इस्माइल हानिया का पकड़ा जाना? हानिया को जिंदा या मुर्दा पकड़ने से इसराइल को कैसे होगा फायदा? हानिया के खिलाफ इसराइल के पास क्या सबूत हैं? हमास का टॉप लीडर हानिया इस वक्त कहां छुपा है? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले उस अल शिफा अस्पताल के एमआरआई मशीनों की बात, जिसकी आड़ में हमास ने हथियार छिपाए थे। इजरायली फोर्स ने अल शिफा अस्पताल में सर्जरी रूम में मशीनों के पीछे हमास के हथियार गोदामों की तस्वीरें पेश की हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे हमास ने अस्पताल में कई जगहों पर जखीरे जुटा रखे हैं। इन हथियारों की डिटेल आगे दिखाएंगे, उसके पहले अस्पताल में जारी इजरायल के ऑपरेशन की डिटेल देख लीजिए। गाजा के अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इसराइल के कई टैंक अस्पताल कैंपस में मौजूद हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियार, खुफिया सामान और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले हैं। इसराइल का दावा है कि अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस सेटअप और यूनिफॉर्म्स मिले हैं। इसराइल की सेना का दावा है कि हमास ने कई हथियार और ग्रेनेड एमआरआई मशीनों के पास छिपा रखे थे। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की एंट्री के बाद गाजा में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल आ गया है।
हमास को सूझ नहीं रहा कि इसका तोड़ वो क्या निकाले। हमास के हर एक कमांडर इसराइल के टारगेट पर हैं। स्कूल, अस्पताल और शरणार्थी शिविर तक पर इसराइल हमले कर रहा है और ये कहते हुए हमला कर रहा है कि हमास के आतंकी इंसानी ढाल बनाकर छिपे हुए हैं। गाजा पट्टी के जर्रे जर्रे में इसराइल बारूद बिछा रहा है, चाहे अस्पताल हो या हमास नेता इस्माइल हानिया का ठिकाना। दरअसल इसराइल का एक ही टारगेट है कि अपने बंधकों को छुड़ाना, जिनकी संख्या 240 के करीब है। और इसके लिए इसराइल हमास से दया की मांग नहीं कर रहा, बल्कि हमास को दहला रहा है। अल शिफा अस्पताल पे हमले को भी हमास ने भले ही नरसंहार करार दिया हो, लेकिन अल शिफा अस्पताल के अंदर इसराइल की सेना घुसी और वहां से मिले हमास के हथियार भी इस वक्त इसराइल की सेना के पास हैं। इसराइल 7 अक्टूबर के उस हर गुनहगार की तलाश कर रहा है जिसका हमले में हाथ तो दूर उंगली भर तक शामिल थी। हमास के 60 से ज्यादा कमांडरों को इसराइल की डिफेंस फोर्स मौत की नींद सुला चुकी है। हमास के लड़ाकों की तलाश में इसराइल ने 4,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों में 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और सिलसिला जारी है। अलशिफा अस्पताल के भीतर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। गंभीर हालात में जो मरीज हैं वो दम तोड़ते दिख रहे हैं, लेकिन न हमास बंधकों को रिलीज कर रहा है और न इसराइल हमास की सुरंगें तलाश लेने के दावे के बाद ही अस्पताल को अपने चंगुल से बख्श रहा है। कारण क्या है? पश्चिमी मीडिया में इसे लेकर कई तरह की रिपोर्ट छप रही हैं, लेकिन हल किसी भी पन्ने पर दर्ज नहीं दिख रहा। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। अलशिफा अस्पताल पर हमला होना तय था। यह हमला अब तक टल रहा था क्योंकि मोसाद की रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल क्लियर दिखी थी कि इसराइल के पास इस बात के सबूत हैं कि अस्पताल की आड़ में हमास ने कमांड सेंटर बना रखा है। हथियारों का मिलना इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि हमास ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और शरणार्थी शिविरों को हमास ने छुपने का ठिकाना बना रखा है। इन जगहों पर हमले होने के बाद हमास नरसंहार की नई परिभाषा लेकर सामने आता है। आपको याद होगा कि हमास कह चुका है कि वो 7 अक्टूबर जैसे इजराइल के खिलाफ क्रूर हमले बार बार करेगा जब भी मौका मिलेगा। हमास का मानना है कि इजराइल जैसा देश अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजराइल जिस जमीन को अपना कहता है वो दरअसल फिलिस्तीनियों की है। हमास का इरादा क्लियर है, इसीलिए इजराइल का एक्शन भी बिल्कुल साफ है, मतलब गाजा पर कंप्लीट कंट्रोल। हमास के जितने टॉप के लीडर हैं, कुछ देश छोड़ चुके हैं, कुछ पहले से ही कतर और तुर्की में आलिशान बंगलों में डेरा बना चुके हैं, कुछ देश छोड़ने की फिराक में हैं। जो बचे हैं वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि इसराइल की डिफेंस फोर्स की गोली किसी भी वक्त उनके सीने को चीरती हुई आर पार हो सकती है। हमास का अंतिम लड़ाका जब तक जिंदा है, इसराइल ने नहीं रुकने की सौगंध खाई है। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की सरगर्मी से तलाश इसीलिए कर रही है मोसाद, और इसीलिए हानिया के ठिकानों पर बम बरसाया जा रहा है। इस्माइल हानिया नहीं होता तो 7 अक्टूबर को इसराइल के 1,400 लोगों की मौत नहीं होती। इस्माइल हानिया 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है। एनिमेशन के जरिए समझते हैं इस्माइल हानिया की कारस्तानी। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के लड़ाकों ने इसराइल में कत्लेआम मचा रखा था। उसी वक्त कतर के कैपिटल दोहा के एक आलीशान ऑफिस में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उनके साथी टीवी चैनल पर सब कुछ देख रहे थे। इस्माइल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उस खूनी मंजर को देखकर उन्होंने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। इस्माइल हानिया पिछले 2 दशकों से हमास को ऑपरेट कर रहा है। पूरे फिलिस्तीन में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने का मकसद सामने रखकर इस्माइल हानिया जिहाद छेड़ने की बात करता है, लेकिन इजरायली नागरिकों का खून खून नहीं, उसे पानी दिखता है।
अब इस्माइल हानिया पूरी तरह घिर चुका है, उसके सामने बचने के रास्ते कम से कम होते जा रहे हैं। ईरान ने छोड़ा हमास का साथ, एक तरफ इसराइल के जला देने वाले हमले पर हमले और दूसरी ओर ईरान का पल्ला झाड़ लेना, इस्माइल हानिया फंस चुका है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हमास को अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन ईरान सीधे जंग में नहीं कूदेगा। इस्माइल हानिया ही नहीं, पूरे हमास के लिए यह खबर बहुत दुखद है, क्योंकि ईरान के शक्ति से ही हमास का संचालन होता है, और हमास ही क्यों, लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूथी भी ईरान के रहमो करम पर ही पलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई और हमास चीफ हानिया की 5 नवंबर की मुलाकात चर्चा में रही थी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब लेबनान में हिजबुल्ला ने फिलहाल युद्ध से अपने पांव पीछे खींचने का ऐलान किया था। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई थी, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई थी। कयास लगाए गए कि हमास चीफ इस्माइल हानिया ने जंग के लिए ईरान से हथियारों के लिए जरूरी मदद मांगी थी। साथ छोड़ दिया है, इस्माइल हानिया के घर बमबारी हो रही है, अस्पताल में इजरायली सेना की एंट्री हो चुकी है, और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कतर के अफसरों के हवाले से दावा किया है कि हमास सीज़फ़ायर के लिए राजी है। इसके लिए वो 50 बंधक भी रिहा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बदले में चाहता है कि इजरायली सेना 3 दिन हमले न करे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास ने यह भी कहा है कि वो इसराइल को भी कुछ फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करना होगा।